हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश आफरीदी और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आपने फिल्मों में कई सीन देखे होंगे जिसके अंदर क्रोमा शूट यूज़ होते हैं। आपने क्रोमा शॉट के नाम से सुना भी होगा, कई बार पढ़ा भी होगा। दोस्तों, इसमें ही होता है कि शूट कहीं और होता है और दिखाया कहीं और जाता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्रोमा शॉट क्या होता है और इसका बैकग्राउंड वीडियो का किस तरह से चेंज किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना ट्यूटोरियल शुरू करूं, आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि मैं किस वाले वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करूंगा और वो पहले कैसा चल रहा है और बैकग्राउंड चेंज करने के बाद वो किस तरह से प्ले होगा। ये देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करेंगे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम हमारा प्ले स्टोर ओपन करेंगे और उस पर टाइप करेंगे काइन मास्टर। ये देखिए दोस्तों, KINEMASTER के काइन मास्टर आप इस पर टाइप कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये ओपन हो गया है। ये देखिए इसका लोगो आप अच्छे से देख लीजिए, मैं और इसको अच्छे से आपको दिखाता हूँ। ये इस पर के लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। ये जब आप डाउनलोड कर लेंगे इसको, मैंने तो डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ ये डाउनलोड होने के बाद किस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए दोस्तों, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस तरह से इसका शॉर्टकट बन जाएगा इस ऐप का। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। देखिए, मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ और आपको सिखाता हूँ किस तरह आप अपने वीडियो में से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है, सबसे पहले आप उस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद ये यहाँ पर दो ऑप्शन है, उसमें से आप नीचे वाला एम्प्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए। ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अब आप देखिए इस पर मीडिया ब्राउज़र लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो इस पर सबसे पहले मैं वो इमेज या वो वीडियो ले लूँगा जिससे जो मुझे बैकग्राउंड में रखना है। तो दोस्तों, मैं ये वाला एक इमेज जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया है इसको मैं ले लेता हूँ। दोस्तों, मैं इसको आप देखिए, ये स्लाइड करके हम और लंबा कर सकते हैं, उतना लंबा जितना हमारा ऊपर लगाएंगे वीडियो, दूसरा वीडियो लगाएंगे उतना लंबा हम इसे कर लेते हैं। ऊपर ही ऊपर राइट का ऑप्शन है, आप उस पर राइट कीजिए। इसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमें लेयर का नज़र आ रहा है, आप लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप वो वीडियो उठाइए जो आप ऊपर करते हैं, ऊपर रखना चाहते हैं, जिसका आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। दोस्तों, इसकी एक ख़ास बात है कि अगर आपका बैकग्राउंड, अगर पीछे का जो बैकग्राउंड है अगर वो एक ही कलर का रहेगा तो बहुत अच्छे से चेंज हो जाएगा, और हो सके तो आप डार्क ग्रीन या ब्लू कलर का आप बैकग्राउंड लें। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। मैं इसको पूरे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो हम इसे इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। अब दोस्तों, आप ऊपर जो राइट का निशान है उस पर क्लिक करने से पहले आप स्क्रॉल कीजिए इस सेटिंग्स को। यहाँ पे आपको एक की मिलेगी क्रोमा की। ये देखिए दोस्तों, ये क्रोमा की है, आप क्रोमा की पर क्लिक कीजिए। इसके बाद ये एक ऑप्शन एनेबल हो रहा है, इसको आप इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, अब इसके बाद आप ऊपर राइट कीजिए और यहाँ से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि वीडियो कैसा बना है। ये देखिए दोस्तों, ये एक क्रोमा शॉट है जो हमने खुद तैयार किया है। दोस्तों, आपने फिल्मों में इस तरह के शॉट ज़रूर देखे होंगे, लेकिन अब आप खुद भी अपना एक क्रोमा शॉट तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो या इसके बारे में आपको कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर 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 जवाब दूंगा। और अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नए नए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं, नई नई ट्रिक्स अपलोड कर सकूं और आपको सिखा सकूं। तो दोस्तों अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और अब हम मिलेंगे नए वीडियो और नई ट्रिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।